हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन और ये एक्सरसाइज मैं आपको करा रहा हूँ एनसीईआरटी के बुक से। तो देखिए, क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है और ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। अगर आप थोड़ा सा ही फोकस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है x माइनस टू इक्वल्स टू सेवन। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा इसके अंदर, हमें सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को अलग करना होगा। तो देखिए, x को मैंने इधर ही रहने दिया और 7 यहाँ पे है, और ये जो माइनस टू है इस साइड, राइट साइड आके ये प्लस टू बन जाएगा। तो सिंपली ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। तो सेम देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, y प्लस थ्री इक्वल्स टू 10। तो देखिए, वेरिएबल को हमने इधर रहने दिया और कांस्टेंट को शिफ्ट किया, तो प्लस थ्री का इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये वाई इक्वल्स टू सेवन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में सिक्स इक्वल्स टू जेड प्लस टू। तो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप खुद ट्राई करो, बाकी मैं भी बोर्ड पे आपको कर रहा हूँ, आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ये सिक्स और ये माइनस टू हो जाएगा इधर आके इक्वल्स टू फोर। अब फोर्थ क्वेश्चन है थ्री अपॉन सेवन प्लस एक्स इक्वल्स टू सेवनटीन अपॉन सेवन। देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करना है और कांस्टेंट को एक साथ करना है। तो ये इस साइड एक्स हो गया 17 अपॉन सेवन माइनस थ्री अपॉन सेवन। तो देखिए, ये आपका आ जाएगा 14 अपॉन सेवन और ये कट होके 2 आ जाएगा। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो इसके अंदर देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, 6x इक्वल्स टू 12। देखिए, इसके अंदर 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स था, तो राइट साइड आके वो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू ये 2 आ जाएगा हमारा। अब देखिए, हम सिक्स्थ क्वेश्चन करने वाले हैं, t अपॉन फाइव इक्वल्स टू 10 अपॉन वन। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, t इंटू वन इक्वल्स टू 5 इंटू 10। तो ये 50 आ जाएगा और ये t आ जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, 2x अपॉन में 3 इक्वल्स टू 18 अपॉन वन। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो ये 2x इक्वल्स टू 18 थ्री ज़ा 54 डिवाइड बाई 2, ये आपका 27 आ जाता है यहाँ पे। तो चलिए, अब एट्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही है वो भी। एट्थ क्वेश्चन, 1.6 अपॉन 1 इक्वल्स टू वाई अपॉन 1.5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 इंटू 1.5 इक्वल्स टू y। तो अब देखिए, इसके अंदर 1.6 और 1.5 को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2.40। अब नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नाइन्थ क्वेश्चन है 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। तो इसके अंदर भी हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है और 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25 और x इक्वल्स टू 25 अपॉन 7। देखिए, अब टेंथ क्वेश्चन में 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। तो 14y इक्वल्स टू 13 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 21 और 14y y इक्वल्स टू 21 अपॉन 14, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 2। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 कराने वाला हूँ और 12। तो फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर 11 और 12 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमारे सामने है, 17 प्लस 6p इक्वल्स टू 9। तो इसके अंदर सबसे पहले हम वेरिएबल को और कॉन्स्टेंट को सेपरेट कर लेते हैं। तो 9 माइनस 17 हो जाता है ये, तो हमारा आंसर माइनस 8 आता है यहाँ पे। अब ये देखिए, 6 मल्टीप्लाइड बाई पी है, तो दूसरी साइड जब ये शिफ्ट करेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस 4 अपॉन 3। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन, एक्स अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन 15। तो देखिए, इसके अंदर भी सबसे पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे
तो x अपॉन 3 इक्वल्स टू 7 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 1 x अपॉन 3। अब ये देखिए 15 और 1 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो हमारा एलसीएम 15 आ जाता है, क्योंकि सब फ्रैक्शंस की सब्रैक्शंस के अंदर हमें ये एलसीएम लेके ही करना पड़ता है। तो 15 आ गया है यहाँ पे, और 7 माइनस 1 के टेबल में 15 15 टाइम्स में, तो दिस विल बी माइनस 8 अपॉन 15 एंड x अपॉन 3। तो देखिए अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे उसी स्टेज पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो 15 अपॉन 15 एक्स इक्वल्स टू माइनस 8 इंटू 3, तो ये माइनस 24 आ जाता है यहाँ पे, और ये 15x। तो देखिए अब इसके बाद क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 15x इक्वल्स टू माइनस 24 यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। इसके आगे देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके ये राइट साइड में ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस 8 अपॉन 5। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसकी वर्कशीट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप इसके वर्कशीट्स को ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशंस डेफिनेटली भेज दूंगा। थैंक यू।